दोस्तों जल्द ही Realme अपना फ्लैगशिप डिवाइस Realme X Pro इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशंस कंफर्म हो चुके हैं। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और साथ में 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग और इसी के साथ एक पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो क्या है दोस्तों इसी स्मार्टफोन के कुछ कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस, इंडिया में स्मार्टफोन आपको कितने प्राइस में और कब तक देखने को मिल सकता है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन से, तो एक क्लास बैग जो कि ग्लोसी ग्रीन एंड बैक फिनिश के साथ आएगा और इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं अगर फ्रंट की बात करें तो 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड फुल व्यू डिस्प्ले जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात करें अगर प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस होगा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है और ये एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है जो कि ऑलरेडी Redmi के K20 Pro में हमें देखने को मिल चुका है। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन आपको धासु एक्सपेक्टेशन देने वाला है। इसी के साथ अगर रैम वेरिएंट और स्टोरेज की बात करें तो 3 वेरिएंट के साथ ये आएगा स्मार्टफोन, 6128GB, 6256GB और 8256GB। वहीं अगर बात कर ले इसके कैमरास की, तो क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है जिसका प्राइमरी रेजोल्यूशन 64 मेगापिक्सल होगा जो कि सैमसंग के ZW-1 का सेंसर है। इसी के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और साथ में 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ फ्रंट की बात करें तो 25 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो कैमरा के मामले में जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों बात करें अगर इसके बैटरी की, तो 4000 mAh की बैटरी 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड 9 जो कि बेस होगा ColorOS 6.1 पर इस स्मार्टफोन में आएगा। इसी के साथ टाइप सी पोर्ट, 3.5mm जैक और NFC का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की, तो 22 से 23000 के रेंज में इसका बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो 22 से 23000 के रेंज में मिल जाता है स्नैपड्रैगन का पावरफुल 855 का प्रोसेसर, इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, फास्ट चार्जिंग, NFC, टाइप सी। तो मुझे लगता है ये स्मार्टफोन 2019 का एक कंप्लीट स्मार्टफोन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इसी के साथ अगर लॉन्च डेट की बात करें तो अभी इसका लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, बट चांसेस ज्यादा है कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो यही था दोस्तों इस स्मार्टफोन के कुछ कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ ग्रेट।